छोटा बालकनी टाइप का है रूम से आने के लिए। ये मस्त है, ये सबसे बड़ा घर है मतलब वास्तु विहार का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। सो कैसे हैं सब, सही है? तो फाइनली दुर्गा पूजा आ गया है और बहुत दिन बाद में फिर से व्लॉग में आया हूँ व्लॉगिंग करने। और आज आया है हम लोग वही वास्तु विहार जो मेरे दोस्त का यहाँ पे डुप्लेक्स है। एक्चुअली आज फाइनली हैंडओवर लेने वाले हैं इस घर का, तो इसलिए वो मैं कैसे क्या होता है प्रोसीजर सब देखेंगे क्या है। तो चलते हैं वहाँ घर में, तो जाके फिर वहाँ देखेंगे, ठीक है? तो बहुत जन मतलब पूछते रहते हैं कि कैसा क्या होता है ये सब, मतलब वास्तु विहार का कैसा क्या है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दिखाई देता हूँ फाइनली। तो चलिए चलते हैं। तो मैं सोचा कि आप लोग को यमुना दिखा दूँ कि यमुना का कैसा है। ये रहा यमुना, इसका सामने में एक थोड़ा सा बालकनी है और यहाँ है ये तो छोटा छोटा बालकनी टाइप का है रूम से आने के लिए, बेडरूम से। ये इसका एंट्रेंस है। ये मस्त है, ये सबसे बड़ा घर है मतलब वास्तु विहार का। ये किचन रूम है, यहाँ पे एक टॉयलेट है, यहाँ एक वॉश मशीन है, ये शायद पीछे जाने का रास्ता है एक तो, ये भी शायद बाहर से बंद है। ये एक तो रूम है, ये ग्राउंड फ्लोर में एक रूम है, ग्राउंड फ्लोर में दो रूम है शायद, ये एक तो और ये एक तो। फोर बी एच के है ना, तो ग्राउंड फ्लोर में दो रूम है, ये और ये सीढ़ी है ऊपर जाने का। ऊपर भी दो ही रूम होगा फोर बी एच के। ये बालकनी का गेट है, ये एक रूम है इधर, रूम है वहाँ बालकनी है, यहाँ और एक रूम है, यहाँ एक बालकनी है, यहाँ एक तो शायद कुछ किचन विचन टाइप का कुछ रूम होगा, बंद है एक्चुअली, ताला मारा हुआ है। यहाँ एक बाथरूम और ये एक छत जाने का रास्ता, छत। ये आप पूजा घर बना सकते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा भगवान के लिए यहाँ पे छोटा सा रूम बना सकते हैं पूजा वूजा के लिए। ये रहा छत, यमुना का छत, ये सबसे बड़ा है फोर बीच का। तो जितना सारा है इधर मतलब जितना सारा घर है वास्तु विहार में जितना घर है, तो यमुना सबसे बड़ा है फोर बी एच के है, तो ये उसका छत है। और यहाँ से देखिए हाईवे दिख रहा है उधर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उधर हाईवे है, ये यहाँ पे छत है, ये सारा यहाँ पे यमुना है, इधर सारा ही लाइन में सीधा यमुना, इधर यमुना उधर भी यमुना, ये वाला बन गया है ये यमुना पूरा। तो ये पूरा बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है, मस्त है। और चलते हैं नीचे, इधर सब पीछे तरफ है जयंती, उस साइड सब है जयंती, मैक्सिमम जयंती है, यमुना बहुत कम है।
उधर जयंती है और ये सिंप्लेक्स है, मतलब सिंगल डुप्लेक्स नहीं है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ऊपर से, और वहाँ पे एंट्रेंस, वो सीधा एंट्रेंस से हाईवे है, वहाँ हाईवे से नीचे आएंगे तो इधर वास्तु विहार। अब चलते हैं नीचे, अब जाके देखते हैं कि हैंडओवर का क्या सीन हुआ। बंद कर, यही है यमुना, बहुत ही अच्छा था। मतलब ये मैं खुद देखा नहीं था यमुना कभी, तो आज ये वाला घर खुला हुआ है तो सोचा कि दिखा देता हूँ आप लोग को भी, और मैं भी खुद भी देख लेता हूँ। इसका सामने ये पूरा बन गया है वो वाला। अभी चलते हैं उधर। इसको रखे सर, जादू जाने से पहले फिर हमको दे दीजिएगा, हम साफ सफाई करवा दे रहे हैं। एक दिन के बाद? हाँ हाँ, दो दिन के बाद ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रुकिए रुकिए, हाँ हम रुके हुए। चलो वोल्टा से बोलता हूँ। लीजिए यहाँ यहाँ जैसे एक रूम में बालकनी है ना, यहाँ एक ही रूम का बालकनी है, यमुना में दो रूम में दो बालकनी, ऊपर से बीच वाला एक तो अलग ही बालकनी है, और बालकनी का भंडार है। हाँ आवाज आने की बात है। लड्डू मजा आ गया। अरे वो जो कौन खाता था, भीम ना, भीम भीम छोटा भीम, छोटा भीम लड्डू। तो फाइनली यही था, मतलब जो हैंडओवर ले लिए घर का, और यमुना तो आपने देख लिया कैसा है, पूरा मस्त एकदम बड़ा सा है 4 BHK। तो उसका अभी तो पहले वो जो अंकल थे यहाँ के, जो इंचार्ज है सब, जो दिखा हुआ, वो बोले कि 7 years पहले, 7 साल पहले इसका प्राइस था अराउंड 16 लाख के आसपास, अभी तो पूरा उसको 30 या 35 ऐसे कुछ हो गया है। तो ऐसे ही पूरा घर का प्राइस तो पूरा बढ़ रहा है एकदम जैसे तैसे करके। तो यही था जो घर का पूरा हैंडओवर लेना था, और जो आपको दिखा दिया यमुना। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।